हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग कैड मास्टर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको आइसोमेट्रिक डायग्राम विद डायमेंशनिंग डिटेल में समझाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखना इंजीनियर्स। तो आते हैं हम अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल इंजीनियरिंग कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन वीडियोस को फैलाएं प्लीज़ इंजीनियर्स। तो देखते हैं अब अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे हम आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा आइकन फिक्स नहीं, इसे पहले फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए हम UCSICON एंटर एंड एंटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा कमांड लाइन शो नहीं कर रहा, तो हम उसको कमांड लाइन को शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+9। अब देखिए अभी कमांड लाइन या कमांड, ये हम यहाँ पर जो भी कमांड टाइप करेंगे जिस एरिया, ये इस पूरे हम एरिया को हम बोलते हैं कमांड एरिया, और टेक्निकल वर्ड में इसको बोलेंगे कमांड लाइन। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ड्राइंग ऑर्डिनेट्स हमारे किस में, इंचिस में, तो हमें अपनी यूनिट सेट करनी है किस में, एमएम में। तो यूनिट सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, UN एंटर करेंगे। सॉरी दूसरी प्रॉपर्टी एडिट कर ली उसने, यहाँ पे हमें सिंपली UN एंटर करना है। अब एंटर कर दिया, ये किस में, आर्किटेक्चर में। इसे हमें किस में करना है, डेसिमल करना है। प्रीसीजन वैल्यू 0 की रखनी है डेसिमल में, इसको भी सेम चेंजेस, प्रीसीजन वैल्यू उतनी रखनी है आपको, मिलीमीटर्स में करना है यहाँ पे आपको, और देन ओके। अब देखिए अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी है, क्या याद रखना है आपको, हमें पहले अभी हम किस में 2D यानी रेक्टेंगुलर स्टेप में, ठीक है ना, हमें इसे किस में करना है, आइसोमेट्रिक में। तो आइसोमेट्रिक में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था टू चेंज द वर्क प्लेन प्रेस F, वर्क प्लेन के लिए हम F5 प्रेस करते हैं, और टू चेंज द ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के लिए हमें करना पड़ता है प्रेस DS। ठीक है, एंटर कर देंगे। अब जैसे ही DS एंटर किया हमने, हम यहाँ पे हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। ठीक है, अभी इसमें हमें किस में करना है, पोलर ट्रैकिंग में। हम मैंने क्विक प्रॉपर्टीज पे मैं कुछ कोई काम कर रहा था, तो मुझे क्विक प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने वहाँ पे उसके स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक किया हुआ था। मुझे किस पे करना है, पोलर ट्रैकिंग पे, सॉरी ऑब्जेक्ट स्नैप, पोलर ट्रैकिंग, डायनेमिक इनपुट, इनमें से ये, सॉरी दोस्तों ये सब नहीं है आपके। यहाँ पे हमारी सेटिंग्स कुछ चेंज हो गई थी, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ हम इसके आइकन पे क्लिक करें, यहाँ से भी हम आइसोमेट्रिक ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आइसोमेट्रिक के एनवायरनमेंट हैं। अब आइसोमेट्रिक क्या होता है आपका, जो 30, 90 and 150 प्लेन्स पे वर्क करता है। तो हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। इसमें हम 50 की ऊपर की लाइन है, ऊपर की तरफ 50 जाना है, तो पहले इसको इधर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ईजी पड़ेगा आपका। चलिए करते हैं, तो पहले L एंटर करते हैं, और देखिए ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे अपना, और ऊपर कितने जाएंगे हम, 50 एंटर। ठीक, अब देखिए 50 की डायमेंशन तो ये बस छोटी दिख रही है, तो क्या होगा, गलत नहीं कर रहे हम, इसको क्या करेंगे, पहले जेड एंटर एंड ई एंटर, फिट टू ऑल स्क्रीन। ठीक है, इसे फिट कर दिया हमने यहाँ पे। अब देखेंगे, अब हम 100 चलेंगे। ठीक है, एल एंटर करते हैं हम, अब इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, जुड़ जाएंगे वहाँ से। अब देखिए आपकी बस माउस से आपको ड्रैग करवाना है उस डायरेक्शन में, आपकी लाइन जा रही है 100 एंटर। ठीक, अब मैं देख रहा हूँ वो डायग्राम मेरा छिप जा रहा है उधर, तो मैं पैन पी एंटर करके पैन करवाऊँगा इसको, ऊपर पैन करवा के मिड में ले आऊँगा डायग्राम को अपने। एल एंटर करता हूँ फिर से, और इस पॉइंट से जुड़ जाऊँगा, यहाँ से ऊपर हम कितना चलेंगे, 50 एंटर। फिर मैं इस पॉइंट से या तो डिस्टेंस दे दूँगा या फिर इस पॉइंट को मीट करवा दूँगा इस पॉइंट से। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूँ, सिंपली 15 उधर निकला हुआ है। ठीक है ना, तो मैं 15 चलता हूँ, इसको पहले पी एंटर पैन करवाता हूँ। देखिए हमेशा आप शॉर्ट की रिमेंबर रखिए। ठीक है, अब देखिए अब हम इसका क्या करेंगे, हमें इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या करूँगा, प्लेन चेंज करूँगा, और टू चेंज द वर्क प्लेन प्रेस F5, इसका फिर से F5 प्रेस करूँगा। अब कितनी डिस्टेंस है, 15। ठीक है, अब देखिए आ रहा है इधर, 100 एंटर कर देंगे, सिंपली इससे मीट करवा देंगे। ठीक,
अब में देखिए, अब पैन करने के लिए तो हम उसकी शॉर्ट की पी एंटर करेंगे या फिर राइट क्लिक करेंगे माउस से, ठीक है ना। माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ भी पैन का ऑप्शन आएगा आपका, और इसको हम सिंपली पैन करवा सकते हैं, ठीक। तो सारे ऑप्शन सारे मेथड आप याद रखिए, ठीक है ना। ये शॉर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज हैं जो हर किसी ड्राइंग्स में काम आती है। ऑटोकैड 3D, ऑटोकैड 2D, आइसोमेट्रिक या फिर रेक्टेंगुलर स्नैप, जितनी भी ड्राइंग्स हैं सब में काम आती है। यहाँ इवनली जो एडवांस मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपके सॉलिड वर्क्स हुए, सॉलिड एज हुए, और आपका कैटिया हुआ, यूनिग्राफिक्स हुआ, एनएक्सकैड हुआ, जो है राइनो हुआ, इन सब में यूज़ करते हैं इन सब को, ठीक है ना, बेसिक कमांड्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा मेरी, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक। अब देखते हैं अपने डायग्राम में। अब देखिए हमें ये प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। अब ये इसको कैसे ड्रॉ करनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देख ध्यान से देखना। देखिए ये 5 की डिस्टेंस और 5 की डिस्टेंस इधर से दी हुई है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 5 5 की डिस्टेंस चलते हैं। अब देखिए नीचे जाना है हमें, प्लेन चेंज करना है इसका। तो F5 प्रेस किया मैंने, F डिस्टेंस देता हूँ 5, और ऊपर भी जाऊँगा 5, फिर यहाँ से इधर चलूँगा मैं 5 से कितना। अब देखिए ये डिस्टेंस मैंने शो नहीं करवाई, ये कितनी थी आपकी 40, ठीक है ना। ये हम 40 लेके चलेंगे, 40 बाय 40, ठीक है। 5 इधर से सब्ट्रैक्ट है आपका, चलिए 40 एंटर, और ऊपर भी हम कितना चलेंगे 40 एंटर, फिर इधर भी कितना चलेंगे हम 40 एंटर, फिर इसको मिला देंगे या फिर डिस्टेंस चलेंगे और 40। अब हम जो अनवांटेड लाइन है इनको हटा देंगे, जिसको मुझे नहीं देखना, ठीक है ना, और ई एंटर कर देते हैं। अब मैं एल एंटर करता हूँ, और इस पॉइंट से क्लिक करके मैं इस पॉइंट तक इसको मीट करवा दूँगा। अब यहाँ पे हम ऑफसेट कमांड ओ एंटर यूज़ करते हैं, ऑफसेट डिस्टेंस कितनी रखेंगे देखिए दोस्तों। अब देखिए इसके बीच में ये हमें कुछ गैप भी लग रहा है, ठीक है ना, गैप है आपका। तो हम इसको हम 5 डिस्टेंस लेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस की 5। तो मिड से हम इधर ऊपर ऑफसेट करवाएंगे 2.5, मिड से इधर करवाएंगे 2.5, ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो चलिए ऑफसेट करवाते हैं। अब ऑफसेट के लिए हमने ओ एंटर कर दिया था, अब वो पूछ रहा ऑफसेट डिस्टेंस, तो ऑफसेट डिस्टेंस हम इसको 2.5 रखते हैं, एंटर। अब सेलेक्ट करेंगे लाइन को 1 बाय 1, एंटर ऊपर की तरफ। अब सेलेक्ट करेंगे, अब माउस से डायरेक्शन देंगे नीचे की तरफ, ठीक है ना, एंटर। अब ये सिंगल लाइन है, इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब टी आर जो इंटरसेक्शन लाइन को हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है दोस्तों, क्लियर। इन बातों का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब। अब देखिए मैं क्या देख रहा हूँ अपने डायग्राम में, कि इसके कॉर्नर्स पे ये रेडियस लगे हुए, ठीक है ना, कितने के 2 2 के रेडियस हम इसको एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना, तीनों पे, तीनों कॉर्नर्स में 3x कॉर्नर पे 2 के रेडियस। तो मैं रेडियस के लिए क्या करता हूँ, F एंटर और R एंटर, फिलेट रेडियस यूज़ करता हूँ, और फिलेट रेडियस कितने का रखना है आपको, 2 का रखना दोस्तों, एंटर करते हैं, ठीक। सेलेक्ट करेंगे लाइन को, सेलेक्ट करेंगे, अब मुझे इस लाइन पे भी लगाना है, इधर भी लगाना है, इस कॉर्नर पे, इस पे और इस पे, फिर इस पे, इस पे, इस पे और इस पे, इस पे और इस पे। अब ध्यान से इसको हम ट्रिम कर देंगे, ठीक ना। ट्रिम मीन्स क्या होता है, जो हमारी इंटरसेक्शन लाइन होती है, या फिर जो मतलब मीन्स जो लाइन बाहर निकली होती है उनको ट्रिम कर देता है, लेकिन वो इन लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए। अगर वो नहीं इंटरसेक्ट होगी तो उसको ट्रिम नहीं करेगा, ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। फिर हम जेड एंटर ई एंटर करते हैं, फिट टू ऑल स्क्रीन ट्रिम। अब देखिए बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसको जूम करेंगे थोड़ा सा, माउस के रोलर को स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, इतना हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी कुछ खुल गया, ओ देवास्नु, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा एक 3D व्यू आने के लिए, 3D व्यू लुक के लिए, ये देखिए ये हमारा क्या है, इसको हम 15 कॉपी कराएंगे, क्योंकि ये 15 डिस्टेंस थी, इसको हम 15 कॉपी कराएंगे इन दोनों लाइंस को, और जो एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देंगे, ठीक है, जिससे काम का 3D का व्यू आएगा उसका। तो हम कॉपी के लिए CO एंटर करते हैं, सेलेक्ट करेंगे लाइन को, सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेलेक्ट एंटर करेंगे, इसका पॉइंट पिक करेंगे, और प्लेन चेंज करके इसको हम क्या करें, कॉपी कराएंगे कितने डिस्टेंस पे, 5 पे एंटर, और जिसको मुझे नहीं देखना मैं उसको ट्रिम कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, सिंपली।
टी आर डाउनलोडेड ट्रिम, और ट्रिम देखो सीरियस से करेंगे, ये नहीं कि यहाँ इसको ट्रिम करा दिया तो ये तो सिंगल रहेगी, ये ट्रिम नहीं होगी फिर आपकी, इसको हम सीरियस से ट्रिम कराएंगे। सीरियस से ट्रिम किया, ट्रिम करेंगे, ट्रिम करा, ट्रिम करेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम क्या देख, मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं सेम इसको जो मैंने इधर किया वो मैं उस साइड भी करूँगा ऊपर की तरफ, तो मैं उसके लिए फिर से क्या करता हूँ, कॉपी कमांड यूज़ करूँगा। फिर से हम क्या करते हैं, कॉपी कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो सी ओ कॉपी करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, बेस पॉइंट पिक करेंगे, और कॉपी क्या कितने डिस्टेंस पे, 15 पे एंटर कर देंगे, ठीक। अब टी या डबल ट्रिम कर देंगे, सीरियल से ट्रिम करने को वन बाय वन सेलेक्ट ट्रिम कर दिया। अब और क्या देख रहे हैं अपने डायग्राम में, आप देख रहे हैं ये थोड़ी शेडिंग हो रखी है, ठीक है, ये शेडिंग किस लिए हो रखी है, ताकि थोड़ा सा 3D का व्यू और आ जाए हमारा, ठीक है ना, तो हम इसको शेडिंग कर देते हैं। अब शेडिंग करने के लिए क्या, मैं इसके कोऑर्डिनेट पे, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आ रहा है, कोऑर्डिनेट से हम इसको रैंडमली कहीं भी क्लिक करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सिमिलरली या तो उसको ऑफसेट कर देंगे, या फिर हम कोऑर्डिनेट पे, कोऑर्डिनेट से रैंडमली कहीं भी क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं कहीं से भी, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब अपने ड्राइंग में क्या देख रहे हैं हम, कि इस पॉइंट से भी, ठीक है, उसको हम शेड कर देते हैं, मिला देते हैं लाइन से, लाइन डिस्टेंस को, लाइन टू लाइन हमने इसको मिला दिया, और इसको हमने लाइन टू लाइन मिला देंगे, ठीक, ये हमने मिला दिया, ठीक। चाहे आप उसके मिड पॉइंट में मिलाए, चाहे कॉर्नर पॉइंट में मिलाए, उससे कोई डे मैटर नहीं करता आपका, ठीक है ना, बस उससे ये है कि वो शेडिंग व्यू के लिए, मीन्स आपका ऑब्जेक्ट दिखाता है कि आप 3D का व्यू दिखाता है उससे, और कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मिरर कर देंगे, बट यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक में डिफॉल्ट एंगल्स क्या होते हैं आपके, 30, 150 या 90, इसके अंदर कोई और मिरर कमांड हम यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स सही से यूज़ नहीं हो पाएगी आपकी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दोबारा वही, देखिए मिड पॉइंट ट्रैक कर रहा है आपका F5 प्लेन, इससे क्या होगा आपका इजीनेस हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, एल एंटर करते हैं, अब इसके मिड पॉइंट से इधर कितना चलेंगे, F5 प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए इधर इसके ये मिड लाइन है आपकी, मिड से इधर 5 की डिस्टेंस, ये 5 की डिस्टेंस, टोटल 10 की डिस्टेंस, मीन्स इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की आपकी डिस्टेंस कितनी है, 10 है, ठीक है ना, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, 5 एंटर करते हैं, ऊपर कितना चलेंगे, 5 एंटर करेंगे, फिर इधर कितना चलेंगे हम, 40 एंटर करेंगे, फिर ऊपर वही सेम 40, 40 बाई 40 का हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंटर। अब हम क्लिक करेंगे पॉइंट से, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और जो अनवांटेड लाइन्स हमने ड्रॉ की थी उनको हम हटा देंगे, ई एंटर, ठीक दोस्तों। अब हम सेम वही काम करेंगे, इसको हम ऑफसेट कराएंगे, कितना, 2.5 ऊपर, 2.5 नीचे, ठीक है, तो ऑफसेट के लिए मैं ओ एंटर करता हूँ, और ऑफसेट डिस्टेंस कितनी रखेंगे हम, 2.5 एंटर, हम सिंपल 2.5 ऊपर, 2.5 नीचे रखेंगे, ठीक है दोस्तों, क्लियर। ओ यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्तों, एक गलती कर रहे हैं आप लोग, हम लोग यहाँ पे हम इसको ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मीट करा रहे हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देने की बात है इसमें हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको अब ऑफसेट कराएंगे, ऑफसेट के लिए ओ एंटर करते हैं, और ऑफसेट डिस्टेंस 2.5 एंटर करते हैं, ठीक। अब ऑफसेट ऊपर की तरफ रखेंगे, और ऑफसेट नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब इसको हम जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको हम ट्रिम करते हैं, ठीक है, इसको भी ट्रिम करना है हमें, इसको भी ट्रिम करना है, इसको भी ट्रिम करना है, सिमिलरली ऊपर वाले में भी इसको ट्रिम करेंगे, एंड ना इंटरसेक्शन लाइन को ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखा ना आपने, ये ऐसे कट था, इस तरह कट था, ये आपका उसका मतलब उल्टा, ऑपोजिट, ठीक है ना, ऑपोजिट कट निकला आपका, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे भी। अब देखें, अब मैंने यहाँ पे
फिलेट रेडियस शो नहीं कराएं, बट हम क्या करेंगे अपने ड्राइंग बनाते वक्त फिलेट रेडियस शो कराएंगे। तो एफ एंटर, आर एंटर और फिलेट रेडियस कितने का रखना है, टू का, टू ऑलरेडी फीड है एंड सेलेक्ट। तो हमेशा अपने कमांड लाइन में, कमांड एरिया में देखना कि आपने क्या क्या कमांड टाइप की थी, उससे हमें थोड़ा रैपिडली ड्रॉ करते हैं। ये सब रैपिडली ड्रॉ करने के आपके तरीके हैं, ठीक है ना, ऑटोकैड में या फिर किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में। अदर सॉफ्टवेयर की बात आई तो ऑटोकैड बेस है आपका, ठीक है दोस्तों, इंजीनियर्स क्लियर है आपका। अब देखिए हम सिमिलरली इधर भी इस कॉर्नर पे भी हम ट्रिम कर देंगे, और ट्रिम के लिए हम टी आर डबल एंटर, जब तक आप डबल एंटर नहीं प्रेस करेंगे ट्रिम मोड में आप एक्टिव नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई और कमांड मेरी अप्लाई हुई थी, मैंने आपको बताया था क्लियर इंजीनियर, जब तक आप कमांड एरिया ब्लैंक ना हो दूसरी कमांड एक्टिवेट नहीं हो सकती। तो उस टाइम क्या हुआ था, मेरा कमांड एरिया ब्लैंक नहीं था, मैंने दूसरी कमांड एक्टिवेट कर दी, मैंने ध्यान से देखा नहीं था कि अपने कमांड एरिया में, इसलिए तो ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा ड्राइंग बनाते वक्त अपने कमांड एरिया में आप लोग देखा कीजिए, ठीक है। अब फिर से हम कमांड एरिया मेरा ब्लैंक है, अब मैं टी आर डबल एंटर करता हूँ ट्रिम, ठीक। अब वो सेलेक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, ठीक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फेंस क्रॉसिंग। अब सिमिलरली इधर भी करना है मुझे, इधर भी, इधर भी। अब देख लेते हैं कोई रहते हैं, हाँ एक इधर रह गया आपका। तो हम क्या करेंगे, फिर से टी आर डबल एंटर ट्रिम, जेड एंटर, ई एंटर, जूम एंड एक्सटेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करा देंगे, कितनी डिस्टेंस है, 15 की डिस्टेंस, जिससे कि आपका 3D का व्यू शो आए, ठीक है ना, नज़र आपको। तो कॉपी के लिए हम क्या करते हैं, सी ओ एंटर सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे, ठीक, इन दोनों को, दो लाइन्स को सेलेक्ट करेंगे हम, और क्या करा देंगे, सॉरी इसको नहीं करना था आपको, इसको करना था। तो इसको हम डी सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये आई इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक, एंटर करेंगे। अब इस पॉइंट से कितना प्लेन चेंज करके हम जाएंगे, कितना, 15, और जो इंटरसेक्शन लाइन है उसको हम हटा देंगे, ठीक, हटा दिया हमने इसको। हम ऊपर वाले में देखते हैं, उसमें भी सिमिलरली वही करेंगे हम, सी ओ कॉपी एंटर करते हैं, सॉरी दोस्तों, सी ओ कॉपी एंटर करते हैं, सेलेक्ट करेंगे लाइन को, सेलेक्ट करेंगे वो ग्रीन रोनी, सेलेक्ट करेंगे पिक मेथड से। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कॉपी कराएंगे, एंटर करते हैं और इसका बेस पॉइंट पिक करेंगे, सेंटर पॉइंट या फिर, और 15 डिस्टेंस पे कॉपी करा देंगे, ठीक, 50 यान डबल एंटर ट्रिम करेंगे और सीरियल से 1 बाय 1 इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमें शेडिंग शेडिंग करनी है, ताकि इससे थोड़ा 3D का लुक आए और बढ़िया से अट्रैक्टिव लगे हमें हमारा डायग्राम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम ये लाइन हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसका देखिए यहाँ पे रेंडमली मैंने इसके कोऑर्डिनेट से एक लाइन ड्रॉ कर दिए विदाउट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, एल एंटर करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट से या फिर इसके एंड पॉइंट से हम एक लाइन रेंडमली ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली इधर भी वही करेंगे, इसके नियरेस्ट पॉइंट से या कोऑर्डिनेट पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे शेडिंग हुई और जिससे लग रहा है कि हमारे 3D का व्यू आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम डायमेंशन देंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा पूरा कंप्लीट, देखिए दोस्तों कंप्लीट हो गया आपका ये ऑब्जेक्ट पूरा। अब हम इसकी डायमेंशन देंगे, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट है तो आपका बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत, मतलब आपकी टेक्निक्स बहुत ही यूज हुई है, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें आइसोमेट्रिक डायमेंशन देनी है, मीन्स अलाइन डायमेंशन देनी, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका अलाइन होता है, तो इसके लिए हम अलाइन डायमेंशन पिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब अलाइन पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये अलाइन आ गया आपकी, फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट डिस्टेंस रखनी है आपको। अब देखिए ये डिस्टेंस तो दे दी, मतलब कि बहुत छोटी शो हो रही है, इसका मतलब क्या है, आपकी डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, जो आपका डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, और देखिए टेक्स्ट है 1 फीट 3 इंच, मीन्स ये फिट और इंचज में है, मतलब उसकी यूनिट अभी सेट नहीं हुई है। अब उसकी यूनिट और टेक्स्ट सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ये शॉर्ट की होती है, डी एंटर, इसको आप लोग ध्यान से रखना दोस्तों, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, मीन्स इसमें क्या होता है आपका, जो भी आपकी टेक्स्ट वैल्यू, देखिए प्रीव्यू शो दिखा रहा होगा किस में, इंचज और फिट में। तो हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मॉडिफाई करेंगे, ठीक है दोस्तों, प्राइम यूनिट्स में जाएंगे, आर्किटेक्चर है, इसको हम किस में करेंगे, डेसिमल में करेंगे, और ये प्रिसीजन वैल्यू हम 0 में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, और सेम चेंजेस हम यहाँ पे भी करेंगे, इसको हम 0 रख में रखेंगे,
सिंबल है एरो इस आर्किटेक्चर टिक, इसको क्लोज फील्ड करेंगे। एरो साइज कितना रखेंगे वो हम टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे, टेक्स्ट कितनी रखेंगे उसकी नियरेस्ट वैल्यू रखेंगे। टेक्स्ट रखते हैं हम 6 की, तो सिंबल एंड एरोज की नियरेस्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी 5, ठीक है। तो 5 रखते हैं इसको, लाइंस में जाएंगे हम, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन से आपको कितना ऑप्शन करना है, इससे क्या होता है, इस ऑप्शन से करने से आपका जो डायग्राम है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, उसकी डायमेंशन हमें बढ़िया से रीड होती है। अब जब डायमेंशन बढ़िया से रीड कर पाएंगे तो उसको हम बना भी इजीली पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको हम 4 की रखते हैं या फिर 3 की रखते हैं, एंटर, ठीक है। एंड देन ओके एंड सेट करंट, और जो भी हम चेंजेस उसे हम ध्यान से करंट में सेट करेंगे, करंट में सेट नहीं करेंगे तो चेंजेस आपके होंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। एंड क्लोज। अब देखिए 15 की डायमेंशन हमें सही से शो कर रहा है। अब देख रहे हैं हम इसमें और क्या क्या है, ये आपकी 100 की डायमेंशन है, 50 की डायमेंशन, चलिए करते हैं। फिर से अलाइन पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें कितना जाना है 100। फिर से पॉइंट पे क्लिक करेंगे हम, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको कितना जाना है 50, ठीक है। तो ये हो गया आपका 150। और क्या देख रहा हूँ मैं इसके अंदर, ये देखिए इस पॉइंट से सेंटर एक सेंटर पॉइंट से इसके यहाँ तक की डिस्टेंस 5 है, और यहाँ इसकी इस अपर पॉइंट से नीचे तक की डिस्टेंस 5 है। तो हम चलते हैं वही, लेकिन उससे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे क्या होगा हमें एक पॉइंट मिल मतलब पॉइंट मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमें क्या पॉइंट मालूम चलेगा, तो हम अलाइन डायमेंशन इसको ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए इसका मिड शो कर रहा है, बट हम लाइन ड्रॉ करते तो ज़्यादा बेटर रहता आपका, ठीक। अब मुझे यहाँ तक की चाहिए डिस्टेंस, ये स्नैप हो रहा आपका, कितनी 5 की डिस्टेंस चाहिए आपको। अलाइन डायमेंशन पिक करते हैं फिर से, अब मुझे यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। प्लेन चेंज करता हूँ मैं अपना, ये सॉरी अलाइन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 5 आ गया, ठीक। अब हम इनको क्या करेंगे, हमने अलाइन डायमेंशन दे दी, अब इसको हम क्या करेंगे ऑब्लिक करेंगे। ऑब्लिक करने से क्या होगा, ऑब्लिक ऑब्लिक क्या होता है, ऑब्लिक एंगल पे काम करता है, 30, 90 and 150, ठीक है ना। तो हम इसको ऑब्लिक के लिए, अब ऑब्लिक का ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऑब्लिक का ऑप्शन आपका नहीं शो करवाएगा, कहाँ पर करवाएगा, देखिए यहाँ से हम अपनी मेन्यू बार को शो करवाएंगे, शो मेन्यू बार, तो ये मेन्यू बार शो करेगा आपकी मेन्यू बार, इसको हम पुल डाउन मेन्यू बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कमांड है सब नीचे की तरफ पुल होती रहती है, और टैब में जो कमांड है आपकी रो टाइप में शो होती है। आप टैग इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, ड्रॉ ये ड्रॉ पैनल होता है आपका, मॉडिफाई पैनल होता है, एनोटेशन पैनल होता है, लेयर पैनल होता है, ब्लॉक पैनल, प्रॉपर्टीज पैनल, ग्रुप पैनल, तो ये बहुत सारे पैनल्स में डिवाइड रहता है, और इन ठीक है ना दोस्तों, और इन पैनल्स में बहुत सारी कमांड्स होती हैं हमारी, ड्रॉ की कमांड्स हैं, अंदर जाएंगे, ये सब मैंने आपको बताया था क्लियर बढ़िया से, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी हम डायमेंशन में जाते हैं, अभी हमें क्या चाहिए ऑब्लिक डायमेंशन। तो यहाँ पे देखिए ऑब्लिक का भी ऑप्शन है और अलाइन का भी ऑप्शन है, तो हम ऑब्लिक पे एक बार क्लिक करते हैं, हमें ऑब्लिक डायमेंशन देनी है इसकी, और कितने की रखनी है आपको 150, एंटर, ठीक। अब सिमिलरली मैं दोबारा ऑब्लिक पे क्लिक करूँगा, अब मुझे ऑब्लिक डायमेंशन कितने की रखनी है 90, एंटर, ठीक। अब फिर दोबारा सिमिलरली मैं ऑब्लिक पे क्लिक करूँगा, अब मुझे कितनी रखनी है 150, एंटर, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा इसके सिमेट्रिक करें, जिससे कि हमें मतलब डायमेंशन रीड करने में मतलब अपना डायग्राम अट्रैक्टिव लगे देखने में, ठीक है ना। अब देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया, क्या किया मैंने इसको सेलेक्ट किया, और इसकी ग्रिप को मैंने पकड़ा, ग्रिप को क्या करेंगे हम माउस से पकड़ेंगे, ठीक है ना। माउस से पकड़ के हम इसको अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जिधर माउस से ड्रैग कराएंगे, अगर हम उधर की डायरेक्शन में आगे की डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो आगे डायरेक्शन में आपका माउस को आगे की डायरेक्शन में ड्रैग करवाना होगा, अगर हमें डाउन पीछे की डायरेक्शन में करना है तो पीछे की डायरेक्शन में माउस को ड्रैग करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना, जिससे आपका इन सबसे क्या होता है आपका डायग्राम जल्दी बन जाता है, और कोई उसमें चेंजेस करने होते हैं आपको, मान लीजिए अगर कोई डायग्राम आपसे गलत हो गया, उसमें छोटी सी गलती है, उस छोटी सी गलती को चेंजेस करने के लिए आपको दोबारा उसको मॉडिफाई करना है, तो आप इस तरह से जल्दी कर सकते हैं मॉडिफाई उसको, ठीक है ना। अब डायमेंशन पे जाते हैं, फिर से मुझे ऑब्लिक डायमेंशन पिक करनी है, अब मुझे इसकी डायमेंशन पिक करनी, कितनी में रख लूँगा 90 रख लेता हूँ, तो ये ऊपर की तरफ शो करवाएगा, ठीक। अब मैं ऑब्लिक फिर से डायमेंशन पे जाता हूँ, ऑब्लिक डायमेंशन पिक करूँगा,
और मुझे इसकी डायमेंशन शो करवानी है, इसको मैं 150 एंटर करता हूँ। ठीक, तो ये हो गया आपका दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्लियर है, देखें और कुछ तो नहीं है आपका इसके अंदर। 15, 15, 50, 100, 5 क्लियर है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियो, इसको पहले हम एक बार जूम एंड एक्सटेंड फिट टू ऑल स्क्रीन करते हैं, और अपनी कमांड लाइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+9 एंटर। तो आपकी कमांड लाइन क्या हो जाएगी, वहाँ से हट जाएगी, जिससे हमें अपना डायग्राम क्लियरली शो हो जाएगा। ठीक ना, बढ़िया से शो हो रहा है। ठीक, तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन वीडियोस को फैलाएं। तो प्लीज़ इंजीनियर्स, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे ऑटो कैड के इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए हमारी वेबसाइट cadmaster+a.blogspot.com पर विजिट कीजिए और उस पेज को फॉलो कीजिए। प्लीज़ इंजीनियर्स, धन्यवाद। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर से जुड़े रहिए।